गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम वीडियो नंबर 5 को देखेंगे। अभी तक हमने वीडियो के माध्यम से इसकी 4 क्लास कंडक्ट की है। वीडियो नंबर 1, 2, 3 और 4। पहले आप वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 को देखें और फिर वीडियो नंबर 5 को सीन करें। क्लियर? हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 4 के अंदर हमने पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। पहले आप उसको देखें और फिर वीडियो नंबर 5 को सीन करें। अब देखिए, हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फाइंडर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फाइंडर, शॉर्ट फॉर्म PPF। क्लियर? अब देखिए बेटा कि PPF होता क्या है, क्यों आया PPF, किसने बना PPF। हम जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं PPF के अंदर, जब PPM कोई प्रोडक्शन करते हैं कंपनी के अंदर, तो दो गुड्स के बनते हैं। PPF हमें ये बताता है कि हम प्रोडक्शन करते समय हमें कॉम्बिनेशन किसके अंदर करना है, टू गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन करना है। टू गुड्स के बीच में हमारे पास दो गुड्स होने चाहिए और जितने हमारे पास गिव रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी है और वर्क भी हमें उसमें करना है, क्योंकि गिव रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट रहते हैं। क्लियर? अब देखिए कैसे, डेफिनेशन के माध्यम से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। PPF रेफर टू ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए बेटा PPF क्या है, व्हाट इज PPF, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉसिबल कॉम्बिनेशन। पॉसिबल होता है कॉम्बिनेशन टू गुड्स के बीच में। क्लियर है यहां तक? दैट कैन बी प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस करते हैं विद उसके साथ की रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी वो कांस्टेंट रहती है और हमें उसी की रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के बीच में रहकर वर्क करना होता है। हमें प्रोडक्शन उन दो गुड्सों के पास इतना ही प्रोडक्शन करना है जितना हमारे पास रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी है। क्लियर है? अब रिसोर्स से आप वो मटेरियल भी ले सकते हैं, कैपिटल भी ले सकते हैं, मशीनरी भी ले सकते हैं, इस तरीके से कि रिसोर्स की टेक्नोलॉजी भी होती है। क्लियर? अब देखिए अगेन रिपीट कर रहा हूं, PPF रेफर टू ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। PPF जो है ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस पर मैं आपको बता भी देता हूं इस तरीके से बनेगा, ठीक है, वो अभी आपको बताएंगे। देखिए, टू गुड्स That can be produced with the given resource and technology. क्योंकि इसमें जो भी गुड्स के बात में होगी, जो भी गुड्स पे बात होगी वो दो गुड्स के बीच में होगी, जैसे गुड्स Y और गुड्स X, गुड्स Y और गुड्स X। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इस तरीके का होगा दो गुड्स। That combination, इसके और इसके बीच में कॉम्बिनेशन करना है प्रोड्यूस करते समय, साथ में की रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, और हमें जो टेक्नोलॉजी रिसोर्स है उसी के बीच में रहकर वर्क करना है और हमारे पास एक कॉन्स्टेंट रहती है। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखिए बेटा, PPF अदर नेम, PPF के कुछ अदर नेम है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको अदर नेम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि अदर नेम दे देते हैं और इससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे सर ने ये कराया था, PPF कराया था, लेकिन एग्जाम में TC आ गया, एग्जाम में TC आ गया तो करेंगे, तो इसलिए ही आप कंफ्यूज नहीं हो। तो मैंने आपको ये बताया है कि आप अदर नेम भी आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC। आगे देखिए, सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन कर TC। थर्ड है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। क्लियर? ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंटर TF। ओके, क्लियर बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री TB। इस ये है अदर नेम, ये क्या है अदर नेम, किसके? PPF के। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि PPF क्यों यूज किया जाता है, कि जब दो गुड्स होते हैं उन दो गुड्स के मध्य टेक्नोलॉजी और रिसोर्स को साथ लेकर वर्क किया जाता है, और जो गुड्स उसके अंदर ही वर्क करना होता है इससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ता है,
एग्जांपल के तौर पे देखिए, कोई भी हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन बैठाता है कि हमारे को लॉस भी नहीं हो, मुझे लॉस भी नहीं हो और हमारा वर्क भी हो जाए, तो हम उतना ही वर्क करेंगे, उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है। बिजनेस के अंदर हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो हमारे पास मनी अवेलेबल है, जो हमारे पास कैपिटल अवेलेबल है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे ना, ये तो आपको भी पता है, क्लियर है। तो हमें कॉम्बिनेशन बैठाना है। हमें क्या सिखाता है पीपीएफ कि कॉम्बिनेशन कैसे बैठाना है? पीपीएफ हमें क्या सिखाता है? पीपीएफ का मीन सी क्या है यहाँ पे? हमें क्यों दिया पीपीएफ? इस बुक में पीपीएफ क्यों दिया? क्योंकि हमें बिजनेस के अंदर जब गुड्स का प्रोड्यूसर करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो हम कॉम्बिनेशन बैठा सके और हमारी जो कॉस्ट आती है उसको कम कर सके, हमारी कॉस्ट को कम कर सके, इसलिए तो कॉम्बिनेशन बैठाया जाता है। यदि हम कॉम्बिनेशन ना बैठाएं तो प्रोडक्शन ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा आप आगे देखिए, कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? जो पीपीएफ के अंदर कॉन्स्टेंट रहेंगे, जो पीपीएफ के अंदर कॉन्स्टेंट रहेंगे वो होते हैं एजम्पशंस, जिनका हमें यूज भी कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। रिसोर्स आर गिवन, हमारे पास अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उसमें रिसोर्स आर गिवन, हमारे पास जितने रिसोर्स हैं वो ही अवेलेबल होते हैं। टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होती है, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी होती है, वो क्या होती है? कॉन्स्टेंट। कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स, ये भी, ये सब तीनों चीजें जो है, ये जो थ्री ऑब्जेक्शंस हैं, ये क्या है? आपकी डेफिनेशन से लिए गए। आपको जैसे लर्न करने में दिक्कत नहीं हो, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, लर्न हो जाए, इसी वजह से मैंने एजम्पशन किसमें से लिए? डेफिनेशन में से बनाए। मैंने इस डेफिनेशन में से ही आपको एजम्पशन लिए हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो लर्न करने समय। रिसोर्स आर गिवन, हमारे पास रिसोर्स गिवन रहते हैं। टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, और टेक्नोलॉजी क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है। कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स, और कंपैरिजन किसके बीच में होता है? टू गुड्स के बीच में। अब देखिए पीपीएफ का कर, ये क्या है? पीपीएफ का कर, पीपीसी मतलब प्रोडक्शन कॉरस्पॉन्डिंग कर, ये क्या है? कर, इस तरीके से कर बनेगा। अब देखिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है, गुड्स वाई और गुड्स एक्स, गुड्स एक्स का नेम दिया क्लोथ और वी, क्योंकि हमने बताया था ये टू गुड्स हैं। मैंने अभी बताया था ना आपको डेफिनेशन में कि टू गुड्स के बीच में ही होगा, कॉम्बिनेशन किसके बीच में होगा? टू गुड्स के बीच में। अब कैसे होगा देखिए, इमेजिन दैट एक प्रोडक्शन ने, प्रोड्यूसर ने 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना था, 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना था, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमारे पास जो ये लाइन है, ये लाइन क्या दिखाती है? रिसोर्स। ये लाइन क्या दिखाएगी हमें? रिसोर्स हमारे पास कितने, ओके, ये जो लाइन दिखाएगी हमारे पास रिसोर्स दिखाएगी, कि इसका भी देखिए कैसे, हमारे पास यहां भी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, यहां भी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और यहां भी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। बट हमें कॉम्बिनेशन करना है कि हम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हुए हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन भी कर लें और क्लियर भी हो भी जाए, तो ये कॉम्बिनेशन बैठाता है, किसी के बैठाता है कॉम्बिनेशन। अब कैसे देखो, इन लाइनों के बीच में क्या मीन्स है देखिए। अब देखिए यहां पे ये जो लाइन है, हमें ये जो लाइन है, फिर एक बार बता रहा हूं, ये जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये रिसोर्स बताती है, ये ध्यान रखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन क्या बताती है? रिसोर्स, हमारे पास कितने रिसोर्स और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ओके। आप देखिए बेटा, ये जो लाइन मैंने अभी यहां पे ड्रॉ की है, इसका भी क्या हुआ,
इस टाइम क्या हम क्या कर रहे हैं, क्लोथ का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, क्लोथ का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं गुड्स वाई की कंपैरिजन। गुड्स वाई का मतलब जो है ना, गुड्स वाई का मतलब क्लोथ का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं गुड्स एक्स के कंपैरिजन। हम गुड्स एक्स का कम कर रहे हैं और गुड्स वाई का मतलब ज्यादा कर रहे हैं। क्लोथ गुड्स वाई हो गया और गुड्स एक्स वीट हो गया। तो हम क्लोथ का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं इस टाइम और वीट का कम कर रहे हैं। देखो कम हो रहा है ना, ये एक्स हो गया और ये वाई। तो समझ में आया कुछ बेटा? क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जाम में क्या पूछ लेता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पॉइंटर बना के ड्रॉ बना के दे देता है और ये पूछ लेता है ये लाइन किस क्या दिखा रही है। तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स दिखाती है ये लाइन। ओके, कई बार क्या पूछ रहा है कंपैरिजन किसके बीच में होता है, तो आपको ये कुछ बताना है टू गुड्स के बीच में। ओके, तो बेटा देखिए अब आगे देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला मैंने ऐसे करा है, ठीक है, मैंने अब ऐसे करा है। तो इसका मीन्स क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, गुड्स एक्स का ज्यादा हो रहा है गुड्स वाई के कंपैरिजन। गुड्स वाई एक्स का मतलब वीट का हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं और गुड वाई का मतलब क्लोथ का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। क्लियर आ गया आपके समझ में? जैसे देखिए अब देखो इसमें कम हो रहा है ना गुड्स वाई ए और गुड्स एक्स ए, तो कंपैरिजन कम हो रहा है ना। इस तरीके से आपको ये पीपीएफ कर्व बनाना होता है। क्लियर हो गया? यहां तक का स्क्रीन शॉट ले लीजिए बेटा, यहां तक का स्क्रीन शॉट ले लीजिए। एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, एक बार फिर आपको एक बार बता देता हूं, हमने ये दो बनाया गुड्स वाई और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमने टू गुड्स इमेजिन किए गुड्स वाई और गुड्स एक्स, हमने उनके नेम रखे क्लोथ एंड वी। ओके, हमने ये वाली लाइन बनाई, ये वाली लाइन क्या दिखाती है, रिसोर्स दिखाती है। फिर आपसे कह रहा हूं रिसोर्स अवेलेबल कितने हैं वो लाइन दिखाएगी। फिर हमने एक एग्जांपल दिया कि 10 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया, अब हमने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो यहां भी हमने 10 लाख का किया, यहां भी 10 लाख का, यहां भी 10 लाख का, जितने भी रिसोर्स है वो 10 लाख के ही होंगे। अब उसमें हमने कंपैरिजन बैठाना है इसके बीच में, मैंने आपको बताया था कि ये कंपैरिजन बैठाता है टू गुड्स के बीच में। ओके, तो बेटा देखिए यहां पे मैंने ये वाली लाइन खींची है आपको, तो इस लाइन में क्या बताया था, ये y हो गया ये x हो गया, तो इसका मतलब क्या है, y का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और गुड्स x के कंपैरिजन, तो x का कम हो रहा है मतलब वीट का कम हो रहा है और क्लोथ का ज्यादा हो रहा है। अब ऐसे देखिए इसमें x का ज्यादा है मतलब वीट का ज्यादा है और y का क्लोथ का कम है। ये आपको पीपीएफ कर्व यही बताता है, इस तरीके से आपको ड्रो बनाना है। क्लियर हो गया? देखिए बेटा, बेटा आगे देखिए पॉइंट ऑन पीपीसी है, ये ध्यान से देखिए क्योंकि ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार आता है, ज्यादातर पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसको कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करिए क्योंकि पॉइंट ऑफ पीपीसी है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में भी दे सकता है ये वाला जो टॉपिक है उसको एमसीक्यू में भी दे सकता है। कैसे देगा वो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे, ये पीपीसी का कर्व है, ये आपको भी पता है, ये वाली जो लाइन है क्या दिखाती है, रिसोर्स दिखाती है, ये भी आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये भी रिसोर्स दिखा रही है, ये भी रिसोर्स दिखाता है, ये भी रिसोर्स, ये भी रिसोर्स। अब देखिए कैसे, अब पॉइंट सी यहां है, पॉइंट डी यहां है, इनका मींस क्या है, पॉइंट ए बी एफ का मींस क्या है, देखिए कैसे, जो ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी क्या बता रहा है, क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्स, हमारे पास जो रिसोर्स थे कितने थे, 10 लाख के थे ना, 10 लाख के इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 10 लाख का, तो हमने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लिया लेकिन उसमें से 5 लाख यूज कर लिए, लेकिन 5 लाख बच गए, तो हमने इसका मतलब क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्स, जितने अपने पास रिसोर्स है उसके अंदर ही काम करा है।
सी का मींस क्या हो गया अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्स। हमारे पास अभी रिसोर्स अवेलेबल है और भी रिसोर्स अवेलेबल है क्योंकि हमारे पास खत्म नहीं हुए सारे, क्योंकि हमने 10 लाख का इन्वेस्ट किया उसमें 5 लाख यूज कर लिया अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्स। पॉइंट सी का मतलब ये हो। पॉइंट ई का मतलब क्या है बियॉन्ड द कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी से बाहर। हमारे पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट था और हम कर रहे हैं इसका कितना प्रोडक्शन 20 लाख का। ऐसा नहीं होता ना कि हमारे पास 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया और 20 लाख प्रोडक्शन करें, ये हो नहीं सकता। तो कैपेसिटी से बाहर हम जैसे इमेजिन दैट हम कोई भी शोरूम खोलना चाहते हैं, हमारे पास है सिर्फ उतने ही पैसे जितने हम एक्टिवा के शोरूम या कोई बाइक का शोरूम खोल सकते हैं, और इतने पैसे हमारे पास लेकिन हम खोलना के जा रहे हैं मर्सिडीज का शोरूम, तो कैपेसिटी से बाहर हो गया ना। हमारे पास रिसोर्स कितने हैं ओनली फॉर एक्टिवा के शोरूम या कोई भी एक्टिवा या स्कूटी के या बाइक के शोरूम के लिए पैसे, और खोलना चाह रहे हैं हम मर्सिडीज का, तो हो नहीं सकता ना कैपेसिटी से बाहर। पॉइंट ई क्या बताता है कि रिसोर्स से बाहर है। ओके ये पॉइंट सी क्या बता रहा है रिसोर्स के अंदर ही हमने बात किया। ओके और रिमेनिंग पॉइंट ऑफ फुल्ली यूटिलाइजेशन रिसोर्स, जो रिमेनिंग पॉइंट है वो उनका यूटिलाइजेशन फुल्ली हो चुका है रिसोर्स के अवेलेबल, जितनी टेक्नोलॉजी रिसोर्स है उसके अंदर ही वर्क किया है। क्लियर हो गया, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं। देखिए पॉइंट ई हमें क्या बता रहा है बियॉन्ड द कैपेसिटी, कैपेसिटी से जितने रिसोर्स है उस कैपेसिटी से बाहर। ओके एग्जांपल अभी मैंने बता दिया। पॉइंट सी का मतलब क्या बताया कि रिसोर्स के अंदर अवेलेबल, ओनली फॉर रिसोर्स के अंदर अवेलेबल भी, जितना 10 लाख का इन्वेस्ट किया 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया 5 लाख का और बच रहा है। ओके हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं, कर सकते हैं और भी, लेकिन इसमें रिसोर्स से बाहर क्या कुछ किया। रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द फुल्ली यूटिलाइजेशन, जो हमारे पास रिसोर्स है उसके अंदर वर्क किया यूटिलाइजेशन हो चुका। क्लियर है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्या है कि ये दे देगा आपको डायग्राम बनाकर कर्व बनाकर दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि पॉइंट सी क्या बताता है पॉइंट ई क्या बताता है, इस तरीके से आपको पॉइंट लिखवाएगा। ठीक है पॉइंट ए बी एफ क्या बताता है ये आपसे पूछ सकता है और ये डेफिनेटली पेपर में आता ही है, इसलिए आप इसको ज्यादा कंसिडर करिए। ठीक है क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक का। बेटा यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट है कोई भी प्रॉब्लम है ठीक है और कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा ठीक है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जिससे मैं वीडियो नंबर 6 में इसका सॉल्यूशन कर सकूं और आपको अच्छी स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट करा सकूं। इसलिए आप मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और बार बार इसको देखिए, क्योंकि आप यदि जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, इसलिए आप अच्छी तरह से इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए और अपना भी नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ, क्योंकि इजी नोट्स हैं। क्लियर हो गया, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।